ज्यादातर लोगों को ड्राई फ्रूट्स में काजू खाना काफी पसंद होता है। इसके साथ ही काजू से बनने वाली काजू की कतली भी मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। बात चाहे काजू की हो या फिर काजू से बनने वाली किसी भी तरह की डिश की, हर रूप में काजू को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। हालांकि काजू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है और इसे खाने से शरीर को कई सारे फायदे भी मिलते हैं। मगर क्या काजू खाना किडनी मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काजू एक बहुत ही पौष्टिक फूड होता है। इसमें हेल्दी फैट से लेकर प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जो लोग नियमित रूप से काजू का सेवन करते हैं उन्हें पाचन से जुड़ी समस्या नहीं होती। साथ ही इसके साथ जिन लोगों को शरीर में खून की कमी होती है उन्हें भी काजू का सेवन करने से काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा जो लोग एक बेहतर स्किन की चाहत रखते हैं उनकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी काजू का सेवन काफी मदद करता है। दरअसल काजू में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने से लेकर शाइनी हेयर और ब्यूटीफुल नेल्स के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जिनकी किडनी खराब हो चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है उन लोगों को काजू के सेवन से दूर रहना चाहिए। दरअसल काजू में प्रोटीन और पोटेशियम काफी ज्यादा हाई अमाउंट में होता है जिसे खाने से किडनी मरीजों का क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो आपको काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।